खाना तो बहुत अच्छा है, मतलब जैसे लाइक सात्विक भोजन है ये महाराष्ट्र का, जो मतलब जो गजानन महाराज है उनकी लाइक उनके आशीर्वाद से मिल रहा है ऐसा सब लग रहा है। इट्स अ वेरी टेस्टी एंड लाइक वेरी डिलीशियस ऑल्सो। गणात बोते श्री गजानन महाराज प्रसन्न। आज मैं आपको लेकर आई हूँ होटल प्रसादालय में, जो सिर्फ एक होटल ही नहीं है बल्कि प्रसाद सौ होता है यहाँ पे, ये समझिए। क्योंकि जैसे ही आप अंदर आते हो एकदम मंदिर के जैसा यहाँ का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। पहले आप अपने शूज या फुटवेयर उतार के यहाँ पे रखते हो, फिर आप अंदर जाते हो और श्री गजानन महाराज जी की प्रतिमा स्टैच्यू अंदर है, दर्शन लेते हो आप हाथ जोड़ के, और फिर यहाँ का जो पावन एकदम पवित्र एटमॉस्फेयर है, एकदम सॉफ्ट म्यूजिक है श्री गजानन महाराज जी की, वो सुनते हुए आप यहाँ पे नीचे या ऊपर दोनों तरफ सीटिंग है तो आप अपना जो खाना है उसको एंजॉय करते हो। एकदम ऑथेंटिक रीजनल महाराष्ट्रियन डेलिकेसी सर्व होती है यहाँ पे, खानदेश का, विदर्भ का एंड अलग अलग जगह जो भी महाराष्ट्र के हैं तो वैसे मसाले यहाँ पे यूज़ किया जाते हैं। प्योर वेजिटेरियन फूड है और इसे खाने के लिए बहुत दूर दूर से, यहाँ तक कि वेस्टर्न सबअर्ब से भी लोग आते हैं। तो क्या खास बात है यहाँ के खाने में, उसके पहले आपको लोकेशन बता देती हूँ। सो ये है ठाणे वेस्ट में, आपको मैं गूगल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड चलते हैं अभी अंदर और देखते हैं क्या स्पेशल है होटल प्रसादालय में, आइए। मतलब यहाँ का जो खाना जो है वो एकदम घरगुती जैसा है, मतलब जैसे अपन बोलते हैं कि घर का खाया ऐसे लगता है। तो यहाँ के हर एक चीज़, मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं बोल सकते, हर एक चीज़ जैसे उनका उकड़ी का मोदक जो है एकदम क्लासिक है, अच्छा लगा। नमस्कार, ओके। ये हम लोगों ने 25 मई को स्टार्ट किया, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो 2 साल से मेरे पास बनाया हुआ था। बेसिकली मैं बुल्ढाने से हूँ, जहाँ पे महाराज का ये है शेगांव से हूँ, तो मेरा नाम भी गजानन मंदिर है और बुल्ढाने से ही हूँ। होटल प्रसादालय की जो थाली है प्योर वेज थाली, ये देखें यहाँ पे सर्व हो चुकी है और इसमें मुझे दिखाई दे रही है 3 सब्जियाँ हैं, 2 तरह की दाल है, कड़ी है, देयर इज गुलाब जामुन इन स्वीट एंड उकड़ीचे मोदक ऑल्सो, जो पारंपरिक महाराष्ट्रियन स्वीट होता है। एंड स्टार्टर में है कोथिंबीर वड़ी, अगेन ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन थाली। एक्चुअली सभी कुछ ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन ही है, बिकॉज जो महाराष्ट्र के अलग अलग रीजनल डेलिकेसीज होते हैं ना, तो ये सारे आइटम्स इस थाली में इंक्लूड किए गए हैं। और ये है शेंगदाण्याची चटनी, यानी कि पीनट्स होते हैं ना उसकी चटनी। एंड दिस इज आईएस ठेचा, पापड़ चूरी, पापड़ को फोड़ के इन्होंने जो चूरा करके जो यूजुअली हम खाते हैं, पापड़ पिटला, द मोस्ट ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन डिश जो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड देन देयर्स पूरी, एकदम बढ़िया ब्राउन सिकी हुई पूरी है ये, एकदम गरम श्रीखंड, वाओ। एंड देयर्स चपाती टू, इसके अलावा ज्वारी की भाकरी राइस भी है, वो अभी सर्व किया जा रहा है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। खूब बड़ो वाटल, पहला आलो की नमस्कार करायचा, जो प्रसाद दिलाय तो खायचा आणि हाताने जेवायचं। मोदक आहे स्पेशल, भाज्यांबद्दल काय आता उसळ होती याची मसूरची, आपलं परत शेवग्याच्या आमटी, म्हणजे आम्ही नाही करत कोकणात, पण इथे वेगळं मिक्स केलं आहे कोकण आणि ते, छान वाटलं। भाज्या पण छान आहे, बहुत ही पावन सा ॲटमॉस्फिअर आहे ते, बहुत ही अमेझिंग फिलिंग आहे। खाना एकदम प्योर वेजिटेरियन खाना है ये, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। सबसे पहले मैं खाने वाली हूँ ये पिटला विथ ज्वारी की भाकरी, एकदम सॉफ्ट भाकरी है ये, मुझे ये पिटला भाकरी है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, लवली। पिटला जो है ना बहुत ही ऑसम है, एकदम सॉफ्ट है, स्मूथ है, इसका जो टेक्सचर है ना बहुत ही बढ़िया है, हल्का सा स्पाइसी है, ऐसे ही अच्छा लगता है। और साथ में ना ये चटनी दी है, ठेचा दिया, तो पहले ठेचा खाती हूँ हरी मिर्ची का, लहसुन डाला होता है इसमें बहुत सारा। एंड दिस चटनी, आई थिंक रेड चिली एंड सिंगदाना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका, पीनट का ही डोमिनेंट फ्लेवर है, बाकी कुछ चीज़ का इतना नहीं है जितना सिंगदाने का आ रहा है, बहुत अच्छा है। और सब घरगुती मीन्स घर से घर के जैसे है, मोदक था, गुलाब जाम थे और श्रीखंड। स्वीट्स में 3 प्रकार है, ये वेजिटेबल में 3 है,
जो राजस्थानी गुजराती थालियाँ बहुत सारे हैं लेकिन प्रॉपर महाराष्ट्रीयन थाली नहीं है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि महाराष्ट्रीयन थाली करते हैं, जो जैसा कि पश्चिम महाराष्ट्र है, खानदेशी है, विदर्भ है, कोकण है, तो हर एक प्रांत का एक अलग अलग टेस्ट है। तो वो टेस्ट इसमें हर एक दिन हम लाते हैं। तो फिर एक थाली रेस्टोरेंट का एक कंसेप्ट दिमाग में आया और एक महाराज का, तो मुझे महाराज के नाम से कुछ करना था, तो ये एक मिलजुल के आया। तो नाम भी वैसे ही रखा कि होटल प्रसादालय, श्री संत गजानन महाराज प्रसन्न होटल प्रसादालय। फिर इसके बाद में हम ट्राई करने वाले चपाती के साथ में जो सब्जियां, आपको एक एक करके दिखाती हूँ कौन सी सब्जी दी हुई है। फर्स्ट में ये लेने वाली हूँ दोड़किया की भाजी है, जो तोरई होती है ना, प्लेन वाली एक होती है, एक लाइंस वाली होती है, तो ये जो है वो लाइंस वाली है, अलग कलर दिखाई दे रहा है। यूजुअली हम घर पे तोरई बनाते हैं, वो ऐसी नहीं बनाते हैं। तो कलर इसका एकदम ही अलग है। तो इसमें ना हल्की सी मटर है ना, जो ग्रीन पीस होते हैं, उसका भी टेस्ट आ रहा है। तो एकदम कम्प्लीटली अलग रेसिपी है। और दूसरा है ना ये शेव भाजी, ये भी एकदम महाराष्ट्र में पॉपुलर भाजी है। जब भी हम पुणे जाते हैं ना, शेव भाजी में किसी न किसी रेस्टोरेंट में एक बार तो जरूर अपने मील में खाती हूँ। दिस इज सम काइंड ऑफ अ टिपिकल महाराष्ट्रियन मसाला जो होता है, आई एम रियली नॉट श्योर, जैसे गोड़ा मसाला होता है, वराडी मसाला होता है, ऐसे अलग अलग टाइप के मसाले होते हैं, मालवनी मसाला होता है, ऐसे बहुत सारे। सो वो कोई एक टिपिकल महाराष्ट्रियन मसाले का इसमें अच्छा सा बढ़िया सा ना अरोमा आ रहा है, फ्लेवर आ रहा है, रियली गुड। एक्चुअली काफ़ी स्पेशियस सेटिंग है, आप चाहो तो नीचे भी बैठ सकते हो, ऊपर आके यहाँ पे भी बैठ सकते हो। और एक और खास बात है ना, आप यहाँ पे ना जो सर्वर्स हैं इनका यूनिफॉर्म देखोगे ना, ये भी एकदम पारंपरिक जो महाराष्ट्र पोशाक होती है ना, सदरा यानी कि कुर्ता, उसके साथ में वो दुपट्टा या शॉल बोल लो आप, टोपी जो इनकी जो एक अगेन ट्रेडिशनल जो वेशभूषा जो इनकी होती है वैसी, टीका लगाया हुआ है सब ने, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और नीचे पैजामा, सब बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम ट्रेडिशनल एंड ना पारंपरिक वाली वाइब्स आ रही है। चलिए शेगांव में ना जो श्री गजानन महाराज का मंदिर है ना, वहाँ पे दो दो साल तक वेटिंग लगती है सेवा करने के लिए। अगर आपका नंबर आया तो एक महीने का सेवा का चांस मिलेगा, उसके बाद टीम चेंज होगी। और ये वाला जो पोशाक जो परिधान इन्होंने पहना है ना, यही पोशाक वहाँ पे मंदिर में पहना जाता है। तो लकीली हमको मंदिर के बगल में ही जगह मिली, तो वो भी एक महाराज का ही एक ये हो सकता है, आशीर्वाद है। मैं और एक कहना चाहता हूँ कि महाराज के मतलब बुलढाणे से मैं भी हूँ, और कई सारे बच्चे भी मुझे ऑटोमेटिकली वहीं से मिले। और जगह ये जो जगह है, तो ये जगह जब हम लोगों ने लिया तो उसके बाद हमें पता चला कि इधर 3 साल महाराज का सत्संग भी हुआ है। तो ये भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लकीली हो। सो नेक्स्ट मैं भी ट्राई करने वाली हूँ ये अखा मसूर, थोड़ा सा थिक बनाया गया ये अखा मसूर, और वैसे ही बनाते हैं, एक्चुअली इससे ज़्यादा थिक भी मैंने खाया है। अगेन सम टिपिकल महाराष्ट्रियन फ्लेवर विच इज़ रियली रियली गुड, बहुत बढ़िया। हम अपने घर में बनाते तो ऐसा टेस्ट नहीं आता है, ऑब्वियसली हमारे मसाले अलग होते हैं इसलिए। अचार, पापड़, सब कुछ है थाली में, पापड़ चूरी। आई एम लविंग इट। ये पूरी ओके, ये पूरी के साथ में बटाटे की भाजी, ये भी खा लेते हैं पहले। दिस इज लवली, बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसेस इसमें नहीं है, मगर फिर भी जो इसका टेस्ट है ना, ऑसम। हरे धनिये की खुशबू आ रही है इसमें, हल्दी डाली हुई है, राई करी पत्ते का तड़का है, नमक है, दैट्स इट, बॉइल्ड पोटैटोस, रियली डिलीशियस। और पूरी देख के और उसके पास में श्रीखंड देख के, क्यों ना श्रीखंड पूरी भी एक बार ट्राई कर लिया जाए। इलायची श्रीखंड है, स्वीट इज जस्ट राइट। ये रेगुलर वाला पूरी नहीं है, तिखट पूरी है, वो हल्का सा ना और बट एक मसाले वाला टेस्ट इसमें आ रहा है। पोशाक जो ऐसा है ना, अपना पारंपरिक महाराष्ट्रीयन पद्धति जो, तो पोशाक फार महत्वाचा। नॉर्मली काय होतं हॉटेलमध्ये, वेटर एक शर्ट पॅन्ट, त्यांचा पोशाख म्हटलं तर आपल्या महाराष्ट्राची संस्कृती ते दर्शवते, आणि यांचे काही जे फोटोज आहेत वरती पण मी बघितलं, जे ओव्हरऑल महाराष्ट्राचे हॉटेल असं आपण म्हणू शकतो।
एक्जैक्टली महाराष्ट्रीयन फीलिंग जी अपन म्हणतो ना ती येऊ शकते. और मुझे लगता है पहले दिन से ही इतना रिस्पॉन्स है तो मुंबई के हर एक इससे लोग आते हैं, बोरीवली, अंधेरी, जो भी लोग महाराष्ट्र से मंत्रालय आते हैं तो कई लोग ट्रेन पकड़ के इधर खाने के लिए आते हैं. तो ये सब चीज़ें तो इस गुजराती जैन लोग काफ़ी सारे आते हैं, बोरीवली से, कांदिवली से, अंधेरी से, थाने में से. तो अच्छा सारा रिस्पॉन्स है, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा खाना है. आई थिंक सारी चीज़ें मैंने ट्राई कर ली है राइस डिशेस के अलावा, और ये कोथिंबीर वड़ी. तो जो टेक्सचर है ना, ये अलग टेक्सचर है. हरा धनिया बहुत सारा डाला हुआ है अंदर, और जो फ्राई हुई है ना, ये जो बाहर का कवर आप देख रहे हो एकदम ही कुरकुरा लग रहा है. तो ये जो मसाला इसके अंदर यूज किया है, बेसन में हरा धनिया एंड कुछ मसाला, एक्चुअली ऐसा वाला जो खाना है ना, जो ये वाला टेस्ट है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं. विदर्भ साइड की सब्जियां स्पेशली, जो मसाला जो जिस तरीके से लोग बनाते हैं, जिनका रेसिपी होता है. तो पहले ये जो रोटी वाली चीज़ें हैं ना, तो वो सारी खत्म करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ ये चावल वाले आइटम्स के साथ में. तो महाराष्ट्र का जो मतलब स्पेशली जो है, ये जो बेसन है, मतलब ये बस महाराष्ट्र में मिलता है, बाकी कहाँ आपको मिलेगा नहीं. ये उनका एक स्पेशलिटी है. और देखा जाएगा तो ये मोदक, ये सब चीज़ें मतलब जो बस इधर ही मिलेगी आपको, जो टेस्टी रहेगी. स्पेशली अभी गरम गरम पूरी भी आई है. सोडा बिल्कुल यूज नहीं करते, जो है वो नेचुरल. जो बेसिकली हमारा जो सब्जियाँ जो आता है वो नासिक से आता है प्रॉपर, तो जो है वो नेचुरल देने का वो एक हमारा एक कंसेप्ट था कि जो भी करने का महाराज के नाम से कर रहे हैं तो वो नेचुरली पूरा देने का. तो इसमें आपने देखा कि 7 सब्जियाँ है, 3 स्वीट है, 3 चटनियाँ है, तिखट पूरी है, चपाती है, भाकरी है, गुलाब जामुन, मोदक और श्रीखंड, ये स्वीट भी है. तो सब चीज़ें हम इधर ही बनाते हैं. ओके, राइस में ना यहाँ पे ये दो चीज़ें, एक तो प्लेन राइस है रेगुलर, एक ये मोगाची खिचड़ी. तो इसके साथ में आई थिंक कढ़ी खानी चाहिए हमें, वो इसका कॉम्बिनेशन होता है. कुछ भी शब्द नहीं है मेरे पास, इतना बढ़िया खाना, एकदम होममेड खाना है ये. खिचड़ी इज अमेजिंग, साथ में कढ़ी का कॉम्बिनेशन टू गुड. एंड फिर उसके बाद में ये वरण एंड भात, यानी कि दाल चावल, दाल को वरण बोलते हैं. सारी चीज़ें एक से बढ़कर रह के, वरण भी एकदम बढ़िया है. और ये जो वरण है ना, तड़के वाला वरण है. कई जगहों पे ना महाराष्ट्र में प्लेन बॉइल्ड वरण भी होता है, यानी कि तूर की दाल है ना, उसको सिर्फ उबालते हैं, हल्दी, नमक एंड थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं, उसमें कोई तड़का नहीं होता उसमें. वो भी बहुत लोग पसंद करते हैं, बट मुझे ये वाला पसंद है, तड़के वाला. ये सारी चीज़ें हो गई, लास्ट में आपको मिलती हूँ डिजर्ट के साथ में. और यहाँ तक कि ये जो ताक है ना, जो बटर मिल्क, ये भी लाइक एकदम प्लेन है, नमकीन, बट ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइक एकदम फ्रेश है, ज़रा भी खट्टापन नहीं है, कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो गुड. ॲक्च्युली आम्हाला ह्यांच्या मिस्टरांचे कझन एक फ्रेंड आहे, त्यांनी सांगितलं. मग आता आम्ही यूट्यूबवरती व्हिडिओ आणि रिव्ह्यू बघितले आणि मग आम्ही आलो. आज मंगळवार पण आहे म्हटलं, दुपारचं लंच इकडे करू. सांगितलं होतं सगळ्यांनी की चांगलं आहे, ऑथेंटिक आहे, पारंपरिक आहे आणि ॲम्बियन्स पण पारंपरिक आहे. म्हटलं बघू, आता टेस्ट करतोय तर अपेक्षेपेक्षा चांगलं आहे. आता बघा, इथून सुरुवात केली आहे, सध्या तरी हे आणि हे फार आवडलं, अजून इथपर्यंत पोचलो नाही आहे. मग आता पोचल्याच्या नंतर मला अनुभव येईल की काय काय चांगलं, पण जिथपर्यंत आलो ते हे सगळ्यात बेस्ट आहे. आता अपेक्षा अशी की हे पण चांगलंच असेल, क्वालिटी बेस्ट आहे, आणि म्हणजे ज्या प्रकारे त्यांनी म्हणजे सर्व केलं आहे ते पण खूप छान आहे. भाज्या आपल्या डेली चेंज होतात, आणि कधी पाटोळ्याची भाजी, कधी चवळीची उसळ, कधी मटकीची उसळ, कधी मसाले भात असतो, कधी मुगाची खिचडी. मैंने ये लोगों को सबको बुलाया कि यही जगह जाके खाना खाएंगे. पहले बार हम आके गए है तो इसको वही बोलते थे कि बहुत अच्छा खाना है. ये सब श्रीखंड या मोदक, हाँ टेस्ट अच्छी है. झुमका भाकर, आज तो भाकरी नहीं मिली हमको, लेकिन वो भाकरी भी अच्छी रहती है, और सब अच्छा गर्मा गर्म फ्रेश. यहाँ का जो लोकेशन है वो राम मारुति रोड, जो फेमस है राम मारुति रोड, गजान महाराज मंदिर के बगल में ही लोकमान्य सोसाइटी है, वहाँ पे गाला नंबर 6 होटल प्रसादालय श्री संत गजान महाराज प्रसन्न ठाणे वेस्ट. टाइमिंग सुबह 11:30 बजे अपना चालू होता है, 11:30 से 4 बजे तक.
फिर 4 से 7 बजे तक शाम का प्रिपरेशन होता है, फिर 7:30 से 10:30-11 बजे तक चलता है। एंड अभी हम चलते हैं स्वीट्स की तरफ। बहुत देर से वेट कर रही हूँ मैं कि सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है मैंने एकदम अच्छे से, और अब स्वीट्स की बारी है। सब पहले हम खाने वाले हैं उखरी से मोदक। सर इसको खोल के इसके अंदर घी डाला जाता है, उस तरीके से सर्व भी किया जाता है। और ये जो आउटर कवर है ना, ये चावल के आटे से बना के ना इसको स्टफ करके और फिर उसको स्टीम किया जाता है। वाओ, अमेजिंग। जो इसके अंदर का फिलिंग है ना, गुड़ का नारियल का होता है, बहुत ही बढ़िया है। सारी चीज़ें ना एकदम होममेड वाली फीलिंग दिला रही है। और उन्होंने मुझे बताया कि इसमें ये किसी भी चीज़ में ना सोडा भी यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ तक कि इनका जो गुलाब जामुन है ना, इसका जो मावा होता है ना, ये भी इनके जो नेटिव टाउन है वहीं से आता है, तो कुछ भी मिक्सिंग इसमें होती नहीं है, तो सारी चीज़ें गारंटीड है, ऐसा उन्होंने बताया। ये गुलाब जामुन भी खा लेते हैं, आधा उगड़ी चा मोदक मैंने बचा के रखा है, ये बेटर है ये बेटर है, तो वो लास्ट में खाऊंगी इसलिए। एकदम माइल्ड है ना रोज़ की खुशबू, और सबसे बड़ी बात होममेड वाला गुलाब जामुन मगर बहुत अच्छा। ये भी आउटसोर्स किया हुआ नहीं है, ये भी यहीं पे ये लोग ही बनाते हैं। सो आई रियली हैड अ नाइस टाइम हैविंग दिस ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड। कुछ चीज़ें और मैंने मंगाई है जो मैं भी खाने वाली हूँ। आई एम श्योर आपने वीडियो इन्जॉय किया होगा, और अगर आप यहाँ पे खाने आ सकते हो तो आप ज़रूर आना। एक तो प्योर वेजिटेरियन फूड, ऊपर से जो एटमोसफियर है ना यहाँ का, एकदम यू नो भक्तिभाव में म्यूज़िक लगी हुई है, बहुत ही बढ़िया सी श्री गजानन महाराज की स्टैचू है नीचे, आप दर्शन करके आराम से अपना खाना इन्जॉय कर सकते हो। बहुत सारी वैरायटी है, ये जो वैरायटी मैं आपको दावे के साथ बोलती हूँ आपको मुंबई में मिल नहीं सकती। जो टेस्ट है ना, जो इनका मसाला है, वराड़ी मसाला या जो भी मसाला यूज़ करते हैं, दैट इज़ सुपर्ब। वीडियो अगर एंजॉय किया हो तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो आपको सबसे अच्छी चीज़ आज के वीडियो में कौन सी लगी है, और शेयर कर दो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि महाराष्ट्रियंस इसका बेनिफिट ले सके मगर नॉन महाराष्ट्रियंस भी आके ना ये एक अलग सी प्योर वेजिटेरियन फूड में वैरायटी ट्राई कर सकें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हाउ प्योर, एंजॉय करो।